आज मैं फिर आपके लिए लेकर आई हूँ बच्चों के फेवरेट केक की रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं रवे से बहुत ही टेस्टी एकदम मार्केट स्टाइल का केक। और इस केक को बनाने के लिए सारा सामान आपके किचन में अवेलेबल रहता है, उसे ही आप इस केक को झटपट बना के अपने बच्चों के लिए सर्व कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही टेस्टी बच्चों का फेवरेट केक। इस रेसिपी को बनाने के लिए एक मैंने लिया बड़े साइज का मिक्सिंग बाउल, तो उसे मैं डाली सबसे पहले आधा कप दही। मेजरमेंट के लिए आप कोई कटोरी या कप सेट कर लें, उसे ही मेजरमेंट करके सारी चीज़ें लें। आधा कप मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पाउडर शुगर। शक्कर को हमने मिक्सर में पीस करके उसका पाउडर शुगर बना के लिया है। एक चौथाई कप से थोड़ा सा कम मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रिफाइंड ऑयल। आप इसकी जगह पर इसमें बटर का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे ऑयल का यूज़ करना है जिसमें से स्ट्रॉन्ग स्मेल ना आती हो। मस्टर्ड ऑयल का यूज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करना है इस रेसिपी में। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। कम से कम 2 मिनट तक आपको सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। जितने अच्छे तरीके से सभी चीज़ें मिक्स होंगी, उतना ही सॉफ्ट और एकदम फ्लफी आपका नाश्ता बनके तैयार होगा, और ये जो शक्कर है वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। कम से कम 2 मिनट के लिए आपको इस प्रोसेस को करना है। इसे हमने 3 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लिया है, और ये देखिए एकदम क्रीमी टेक्सचर इसका हो चुका है। तो आपको 3 मिनट के लिए ही इसे अच्छे से फेंटना है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप रवा। मेजरमेंट के लिए आपको 1 कप या कटोरी सेट कर ले, उससे ही मेजरमेंट करके सारी चीज़ें लें। ये मैंने बारीक वाले रवे का यूज़ किया है, और अगर आपके पास मोटा वाला है तो आप उसे 1 मिनट के लिए मिक्सर में चलाकर फिर इस रेसिपी के लिए यूज़ करें। एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये बैटर भी मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, तो आधा कप मैंने लिया है दूध, और दूध आपका रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, ना ज़्यादा ठंडा और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। एक साथ आपको इसमें दूध ऐड नहीं करना है, वरना इसमें लम्स पड़ सकते हैं और आपका बैटर भी गीला हो जाएगा। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें दूध का यूज़ करें। एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी मैं आपको चेक करवाऊँगी कि किस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके बैटर की। थोड़ा सा दूध और ऐड करेंगे। आप इसमें चाहें तो कोको पाउडर का यूज़ भी कर सकते हैं कलर के लिए। बैटर को आपको एकदम अच्छे से फेंटना है। बैटर आपका जितने अच्छे तरीके से फिटेगा, उतना ही फ्लफी आपका नाश्ता बनके तैयार होगा। बैटर हमारा एकदम तैयार है, और ये देखिए इस तरीके की कंसिस्टेंसी आपके बैटर की होनी चाहिए। इस पूरे बैटर को बनाने में मैंने पूरे 1/2 कप दूध का यूज़ किया है। 2-3 ड्रॉप मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वेनिला एसेंस। आप इसमें अपनी पसंद का किसी भी फ्लेवर का ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे। आज हम इस रेसिपी को रवे से बना रहे हैं, और रवा हमारा फूलता भी है, तो इसे हम 15 मिनट के लिए कवर करके रेस्ट पे रखेंगे। और ये बैटर हमारे जब तक रेस्ट पर है तब तक हम आगे की तैयारियां कर लेंगे। अब ये हमने लिया है केक टिन, तो केक टिन को अच्छे से ग्रीस करेंगे। ग्रीस करने के लिए आप ऑयल या फिर बटर किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन केक टिन को आपको एकदम अच्छे से ग्रीस करना है जिससे कि नाश्ता आपका ईजिली निकल जाए। केक टिन को हमने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। आप इसके ऊपर चाहें तो बटर पेपर भी लगा सकते हैं, और अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप थोड़ा सा इसमें मैदा डस्ट कर दें सब तरफ अच्छे से। मैदे को आपको सब तरफ केक टिन के ऊपर अच्छे से फैला देना है। ऐसा करने से आपका नाश्ता एकदम ईजिली बाहर निकल आएगा। केक टिन हमारा एकदम तैयार है। अब गैस के ऊपर मैंने रखी है एक बड़े साइज़ की भगोनी। आप इसकी जगह पर कुकर का यूज़ कर सकते हैं या फिर कढ़ाई का यूज़ भी कर सकते हैं। उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ 1 कटोरी नमक। इस नमक को मैंने बेकिंग के लिए कई बार यूज़ किया है। अच्छे से फैला देंगे। अब इसके ऊपर मैं रख रही हूँ ये रिंग। अगर आपके पास ये रिंग ना हो तो आप कोई कटोरी या फिर प्लेट भी रख सकते हैं। अब नमक को हमें कवर करके प्रीहीट होने के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। 15 मिनट हो चुके हैं, तो एक बार बैटर को वापस से चला देंगे। और ये देखिए बैटर हमारा एकदम थिक हो चुका है। थोड़ा सा दूध हम इसमें और ऐड करेंगे। 2-3 टेबल स्पून दूध ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ी सी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टूटी फूटी। आप इसकी जगह पे ड्राई फ्रूट्स को भी एकदम बारीक बारीक कट करके ऐड कर सकते हैं इसमें। इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे बटर के साथ में। बहुत ही टेस्टी लगती है जब आप इसे खाते हैं और बीच में टूटी फूटी आती है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रेगुलर वाला इनो। इससे नाश्ता हमारा बहुत ही सॉफ्ट एकदम फ्लफी बन के तैयार। 1 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे जिससे कि इनो एक्टिवेट हो जाए। और अगर आपके पास इनो ना हो तो आप उस टाइम पे इसमें बेकिंग सोडा का यूज़ भी कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे।
और इनो डालने के बाद आपको बैटर को बहुत ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रखना है। इनो आप तभी ऐड करें जब आप नाश्ते को बेक करने वाले हों। बैटर हमारा एकदम तैयार है, तो इसे हम केक टिन में शिफ्ट कर लेंगे। ये हमने लिया है केक टिन, जिसे ऑयल से अच्छे से ग्रीस करके रखा था। बैटर को इसमें डाल देंगे और ये देखिए इस तरीके की फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके बैटर की। जब हम इसे गिरा रहे हैं तो ये कंटिन्यू गिर रहा है। और जिस भी बर्तन में आप इसे बेक करें, बर्तन आपका थोड़ा गहरा होना चाहिए। थोड़ी सी टूटी फूटी हम ऊपर से भी डाल देंगे, और टूटी फूटी को मैंने मैदे के साथ में इस तरीके से डस्ट करके लिया है, जिससे कि जब आपका ये नाश्ता बेक होगा तो टूटी फूटी नीचे बैठेगी नहीं, जब आप इस तरीके से मैदे से उसे कोट करके डालेंगे। तो केक टिन को एक बार टैप कर देंगे, जिससे कि इसमें एक भी एयर बबल्स ना रहे। केक हमारा बेक होने के लिए एकदम तैयार है, तो वापस से चलते हैं हम गैस की तरफ। नमक भी हमारा अच्छे से प्रीहीट हो चुका है। केक टिन को हम अंदर रख देंगे, थोड़ा ध्यान से ही रखना है आपको, क्योंकि बर्तन आपका बहुत ज़्यादा गर्म है। अब केक को हम 25 से 30 मिनट के लिए बेक होने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे। 30 मिनट से ऊपर हो चुका है, तो एक बार केक को भी चेक कर लेंगे। ये मैंने लिया है नाइफ, आप इसकी जगह पर टूथपिक से भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए नाइफ में बिल्कुल भी बैटर नहीं लग रहा है, नाइफ हमारा नीट एंड क्लीन आ रहा है। केक हमारा अच्छे से बेक हो चुका है, इसको बाहर निकाल लेंगे। केक टिन अभी हमारा बहुत ज़्यादा गर्म है, तो केक टिन को हम रूम टेम्परेचर पर आ जाने देंगे, उसके बाद ही केक को बाहर निकालेंगे। अगर आप गर्म में ही केक को बाहर निकालेंगे तो केक आपका टूट सकता है, तो इसे हम रूम टेम्परेचर तक आ जाने देंगे पहले। केक टिन हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है, एकदम रूम टेम्परेचर पर आ गया है। तो ये मैंने लिया है नाइफ, और नाइफ की हेल्प से सबसे पहले साइड कॉर्नर हम छोड़ा देंगे, जिससे कि केक आपका इजीली बाहर निकल आए। अब ये हमने लिया एक प्लेट, इस तरीके से केक टिन के ऊपर रखेंगे और केक टिन को आपको पलटा देना है, हल्का सा टैप कर देंगे। और ये देखिए कितना बढ़िया केक हमारा बेक हो चुका है, और ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। केक को पलटा देंगे और ये देखिए लग रहा है ना कितना बढ़िया देखने में, बहुत ही सॉफ्ट और एकदम फ्लफी केक बनके तैयार हुआ है। ये देखिए खाने में भी उतना ही टेस्टी है, बनाना भी इसे बहुत आसान है। आपके किचन में अवेलेबल सामान से ही आप इस केक को बना के तैयार कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट टेस्टी स्पंजी सूजी केक हमारा तैयार है, लग रहा है ना कितना बढ़िया देखने में, एकदम बेकरी जैसा, और बनाना भी इसे बहुत आसान है। आप इसे 40 मिनट के अंदर घर पे बना के तैयार कर सकते हैं, और इतना टेस्टी केक है कि एक बार बना लिया तो आप इसे बार बार बना के तैयार करेंगे। तो रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें, और रेसिपी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही ऑल बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।